हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ट्री सेट का इंट्रोडक्शन किया था, देन मैंने आप लोगों को ट्री सेट की प्रॉपर्टीज भी बताई थी। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ट्री सेट के मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स बताने वाला हूँ, और जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी उन्हीं प्रॉपर्टीज को मैं प्रोग्रामेटिकली भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट, अदरवाइज आप यहाँ से भी जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर एक न्यू जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेटा ट्री सेट डेमो। ओके, देन मैंने यहाँ पर नेक्स्ट बटन प्रेस कर दिया है, फिनिश कर दो आप डायरेक्टली इसको। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाएगा। ये मॉड्यूल इन्फो आ रहा है, आप इसको डिलीट कर दो। ओके, और यहाँ पर मैं एक क्लास, सिंपल क्लास में क्रिएट कर देता हूँ, डेटस टेस्ट के नेम से क्रिएट कर देता हूँ, इन डॉट एस पी, कुछ भी पैकेज का नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, हाँ जी, ये मेरे पास क्या हो गया है, सिंपल एक क्लास क्रिएट हो गई है, मेन मेथड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, अब सिंपल आप यहाँ पर क्या काम करो, सिंपल हम लोग यहाँ पर ट्री सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, ट्री सेट हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है, कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है डेट इज जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। आप इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करो तो ये देखो, ट्री सेट हमारे पास एक क्लास है जो नेविगेबल सेट को इंप्लीमेंट करवा रहा है, साथ के साथ क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी वो इंप्लीमेंट कर रहा है। ओके, ठीक है, तो सिंपल है, मैं यहाँ पर ट्री सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो जी, ये मेरे पास क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर मेरे पास कंस्ट्रक्टर्स आ चुके हैं, ये देखो ट्री सेट, देन कलेक्शन, मैं कलेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, कलेक्शन कंस्ट्रक्टर भी है हमारे पास, एक कंपेरेटर कंस्ट्रक्टर भी है, कंपेरेटर एंड कंपेरेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ध्यान रखना। ओके, तो एक हमारे पास कंपेरेटर भी है और एक हमारे पास ट्री सेट सॉर्टेड सेट भी है, डेट मीन्स कि मैं सॉर्टेड सेट का रेफरेंस भी ट्री सेट के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो ये चार हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, जिसमें अभी के लिए मैं सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट इसके अंदर ऐड करवाता हूँ, डेट इज टी एस डॉट एड। अच्छा, ये इसके हमारे पास मेथड्स आ गए, ऐड, ऐड ऑल, हमने वाले मेथड्स पहले भी बहुत बार किए हैं, ऐड जो एलिमेंट्स को ऐड करवाने के लिए काम आएगा, ऐड ऑल, एक कलेक्शन के एलिमेंट्स को दूसरे के अंदर वो प्रॉपर ऐड करवाने के लिए आ जाएगा, क्लियर, एलिमेंट्स डिलीट करवा देगा, कंपेरेटर, ये अब की बार यहाँ पर मेथड आ गया, क्योंकि ये सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है ट्री सेट, इस वजह से कंपेरेटर मेथड यहाँ पर आ चुका है, कंपेरेटर एंड कंपेरेबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, कंटेन्स, के क्या वो एलिमेंट कंटेन करता है या नहीं करता, कंटेन्स ऑल भी मेथड आ गया है, फर्स्ट मेथड आ गया, फ्लोर मेथड आ गया, फॉर ईच आ गया है, आइट्रेटर नेम का मेथड भी आ गया, लास्ट नेम का मेथड भी आ गया, रिमूव, रिमूव हो जाएगा। ओके, रिमूव ऑल, रिटेन, साइज नेम का मेथड है, तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं। मैं अभी के लिए सिंपल यहाँ पर ऐड मेथड का यूज करता हूँ और मैं यहाँ पर 50 या फिर 40 जो है वो ऐड करवा देता हूँ। देन टी एस डॉट ऐड, मैंने यहाँ पर 60 ऐड कर दिया है। ओके, ठीक है जी, देन मैंने यहाँ पर टी एस डॉट ऐड, मैंने यहाँ पर 20 ऐड कर दिया है, देन टी एस डॉट ऐड, मैंने यहाँ पर 30 ऐड कर दिया है, एंड टी एस डॉट ऐड, मैंने यहाँ पर 10 जो है वो चीज़ ऐड कर दिया। और अब मैं यहाँ पर सिंपल इसको प्रिंट करके देखता हूँ टी एस को, तो चेक करते हैं क्या ये प्रिंट करवा पाएगा या नहीं। आप राइट क्लिक करके रन करो, एलिमेंट्स को ये किस टाइप से प्रिंट करवाएगा, ये देखो, हाँ जी, सॉर्टेड ऑर्डर में ये एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, हाँ जी, देख रहे हो, मैंने सबसे पहले 40 ऐड किया था, बट 40 देखो, 40 यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दिया, प्रिंट करवा दिया या फिर रिट्रीव कर दिया है, फिर मैंने 60 ऐड किया था, 60 इसने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ओके, मैं अगर यहाँ पर कहीं पर भी, जैसे 10 से पहले मैं एक काम करता हूँ, ts.add, मैं यहाँ पर 50 भी ऐड करवा देता हूँ।
ओके तो ये देखो जी अगेन ये 50, ये देखो 50 जो है वो ये यहां पर प्रोवाइड कर देगा। तो सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट जो है वो चीज रिट्रीव होगी। डेट मींस के ट्री सेट जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है बट इंसर्शन ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करता। इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैं एलिमेंट को यहां पर ऐड करवा रहा हूं उसी सीक्वेंस में एलिमेंट रिट्रीव नहीं हो रहे, तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर सॉरी इंसर्शन ऑर्डर को ये फॉलो नहीं करता बट सॉर्टिंग ऑर्डर को ये फॉलो करता है। क्लियर है चीज? तो ये इस टाइप से यहां पर एलिमेंट्स जो हैं ये ट्री सेट के अंदर ऐड होते रहेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर भी बताया था कि ये वाले एलिमेंट्स किस टाइप से ऐड हो जाएंगे, ये देखो। क्लियर है सबको? तो इस टाइप से एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और फिर जाकर ये ट्री सेट जो है उसको प्रिंट करवा देगा जी। पॉइंट क्लियर है? तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर इंटीजर वैल्यू ही प्रोवाइड कर सकता हूं। हाँ जी मैं यहां पर एक काम करता हूं, जैसे ts डॉट ऐड मैंने यहां पर ऐड करवा दिया जैसे दीपक। ओके देन मैंने करवा दिया ts डॉट ऐड मैंने यहां पर करवा दिया फॉर एग्जांपल अमित। ts डॉट ऐड मैंने यहां पर करवा दिया फॉर एग्जांपल राहुल। ts डॉट ऐड फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कर दिया दीपेश ऐड। देन ts डॉट ऐड यहां पर मैंने कर दिया जैसे कमल ऐड। ओके तो ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यहां पर इंसर्ट करवा दिया। अब देखना इसकी आउटपुट देखना, अगेन ये हमें सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर देगा। ये देखो, हां जी देख रहे हो ये चीज, पहले अमित फिर ये देखो, पहले ये यहां से यहां तक डी डबल ई पी और डी डबल ई पी। ओके फिर ए, ए वाला पहले नेम आ गया और ई वाला बाद में आ गया। पॉइंट क्लियर है चीज? तो इस टाइप से प्रॉपर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नेम को प्रिंट करवा रहा है। क्लियर है चीज? तो किसी भी चीज के लिए ये सॉर्टिंग जो है वो चीज प्रोवाइड कर सकता है। ओके बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीज ऑर्डर में करता है, ठीक है ना? वो आपके ऊपर, आप उसको इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोवाइड करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ठीक है। अब मैं यहां पर एक केस स्टडी करके देखता हूं कि भाई अगर मैं इसके अंदर ts डॉट ऐड, जैसे मैंने यहां पर 10 एलिमेंट जो है वो चीज ऐड करवाना है, तो क्या मैं यहां पर 10 ऐड करवा सकता हूं? चेक करके देखो जरा। रन किया मैंने तो ये देखो, ये यहां पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहे? डेटा स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू इंटीजर। ये देखो, क्लियर है चीज? तो वो यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट क्लियर है चीज? ओके और अगर मैं इसको पहले लिख देता हूं, फिर ये देखो, पहले अगर मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है तो ये पेरेंट नोड के अंदर चला जाएगा। अब की बार हम लोग प्रोवाइड करके देखते हैं। ये देखो, इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू स्ट्रिंग, मतलब ये एक्सेप्शन जो है वो चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोगों को सेम डेटा टाइप ही इसके अंदर प्रोवाइड करना होता है। ओके ठीक है। अच्छा क्या मैं इसके अंदर नल वैल्यू ऐड करवा सकता हूँ? एक बार चेक करें जरा। हाँ जी चेक करके देखें, क्या मैं यहाँ पर नल वैल्यू ऐड करवा सकता हूँ? आप यहाँ पर रन करके देखो तो ये देखो, वो यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, पहले 1.6 वर्जन से पहले हम लोग एटलीस्ट एक नल वैल्यू ऐड कर सकते थे, बट अब तो मैं एक नल वैल्यू भी ऐड नहीं कर सकता। रीजन क्या है उसका? रीजन यही है कि भाई वो कंपेयर करता है, जब वो कंपेयर करता है तो वो नल को कंपेयर कैसे कर पाएगा बाकी एलिमेंट्स के साथ? या फिर इसके बाद अगर मैं एलिमेंट को ऐड करवाऊंगा ts डॉट ऐड जैसे 10 मैंने किया, तो वो 10 को नल से अगेन कंपेयर नहीं कर पाएगा। क्लियर है चीज सबको? तो बैकएंड पर हमारे पास कंपेयर टू मेथड जो है वो चीज एग्जीक्यूट होता रहता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई हम लोग नल वैल्यू कभी भी इंसर्ट नहीं कर सकते। हाँ जी पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके ठीक है। बाकी सारे के सारे मेथड्स वही आ गए। अगर आप कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो, ये देखो जरा ts डॉट क्लियर करोगे सारे के सारे एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखो
रन करो तो ये देखो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया फिर वो सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देगा। ओके ये देखो तो क्लियर जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देगा। देन ts डॉट यहां पर आप करके देखो जैसे रिमूव, मैंने यहां पर 20 रिमूव कर दिया तो पहले 20 था। ओके तो ये देखो पहले 20 था तो वो 20 प्रिंट भी करवा रहा था, बट जब मैं रिमूव करूंगा तो वो 20 यहां पर रिट्रीव नहीं करवा पाएगा, वो 20 को रिमूव करवा देगा। क्लियर है? तो इस टाइप से सिंपल सिंपल मेथड्स हैं जो आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करने हैं। ओके सिंपल मेथड्स ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इनके अंदर। ओके बस आप लोगों को इंटरनल फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। इंटरनल फंक्शनैलिटी के भाई ट्री सेट जो है वो किस टाइप से काम करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके तो ध्यान रखना अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी लिस्ट है जो आप चाहते हो कि जैसे ही कलेक्शन के अंदर वो मैं ऐड करवाऊं उसी टाइम पर वो लिस्ट मेरी सॉर्ट हो जाए तो आप लोग ट्री सेट का यूज कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है सबको? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो चीज ऐड करवा रहा हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि प्रोडक्ट जब मेरा ऐड हो रहा है तो प्राइस के अकॉर्डिंग ऐड हो जाए। ठीक है, जिसका कम प्राइस है वो पहले आ जाए, जिसका ज्यादा प्राइस है वो बाद में चला जाए, तो मैं उसको ट्री सेट के अंदर ऐड करवा सकता हूं, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होकर आ जाएगा। ट्री सेट की यही प्रॉपर्टी है कि वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके सो आई होप ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ट्री सेट की आपको पता लग चुकी हैं। ओके ये सिंपल प्रोग्राम भी है, आप लोग प्रोग्राम करके देखना, प्रोग्रामिंग के साथ आप लोग पंगे भी लेकर देखना। ओके इन केस अगर आप लोगों का कोई डाउट आता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो वो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।